नरकासुर ने चारों तरफ की स्त्रियों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। जो भी सुंदर दिखता उसको बंदी बना लेता कि मैं एक साथ सभी से विवाह करूंगा, शादी करूंगा। जो ब्रज की गोपियों का मन था ना कि हम भगवान से विवाह करें, उन सब गोप गोपिकाओं को बंदी बना लिया। कुछ कमी बची तो इंद्र के लोक पर, स्वर्ग पर आक्रमण करके अप्सराओं को भी बंदी बनाया। अप्सराएं भी बंदी बन गईं और अप्सराओं को भी बंदी बना करके, भैया अप्सराओं को भी बंदी बना लिया। इंद्र का सिंहासन भी ले लिया। माता अदिति के कानों से कुंडल को खींच लिया। स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया। देवता अपने घर से बेदखल हो गए, चूंकि भौमासुर का आतंक बल के कारण बढ़ चुका था। तीनों लोगों पर हाहाकार मच गया भौमासुर का। मनुष्य से लेकर गंधर्व से लेकर देवता तक बड़े दुखी हो गए। देव तक दुखी हो गए भौमासुर के आतंक से। तो माता अदिति देवताओं को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के पास गई। गल्फ खोरने तुम्हारे जन्य टोफी आनी छी। गल्फ खोरबे ना, देखो को कोच्छे बुझावर पोरे कुच्छे ना। इधर के एकटा एकटा माइक दिए दो, सबाई सुनबे। আমাদের নামপাড়া মিস্ত্রি পাড়ার লোকগুলো ভালো, মাগো নাম ডুবাবে নাই। চাকুলিয়ার নগর পঞ্চায়েতের নাম ডুবি যাবে। দেবতাওঁ কো লেকর মাতা অদিতি ভগবান কে পাস পৌঁছ গই और भगवान से निवेदन करने लग गई माता अदिति, प्रभु आप तो इंद्र के छोटे भाई हो, कौन से रिश्ते से पता है? तो सिर कैसे हिला दिए। भगवान छोटे हैं कि बड़े हैं? जोर से बोलो, आरो एक टुकु जोरे बोलो, भगवान छोटे हैं कि बड़े हैं? हाँ तुमरा बेसी बोलवे, लेकिन माता अदिति क्या कहती है, भगवान आप तो इंद्र के छोटे भाई हैं, कौन सा रिश्ता? माता अदिति के गर्भ से वामन देव भगवान प्रकट हुए थे। तो वामन देव भगवान का तो जन्म बहुत बाद में हुआ, इंद्र का हो चुका था। इस रिश्ते से भगवान इंद्र के छोटे भाई, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम उपेंद्र भी है, जो इंद्र से छोटा हो। आप इंद्र के छोटे भाई हैं और हमारे पुत्रों के ऊपर जब जब समस्या आई है, आप देवताओं की रक्षा करते हैं। आज फिर से समस्या आ गई है। क्या? सृष्टि पर नरकासुर चारों तरफ आतंक बढ़ा रहा है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। स्त्रियों का बंदी, स्त्रियों को बंदी बना रहा है, उन्हें कष्ट दे रहा है। चारों तरफ उसे कष्ट देता है। और आज तो उन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं को भी बंदी बना लिया। और स्वर्ग की अप्सराओं को ही नहीं ले गया, इंद्र का तो सिंहासन भी ले गया।
और इंद्र का सिंहासन ले जा करके इंद्र को बेदखल कर दिया। मैं तुम्हारी माता हूं, मैं मेरे तो कानों के कुंडल तक ले गया। इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है, आप कृपा करके नरकासुर भौमासुर का अंत करें और इस सृष्टि के भार को हल्का करें। वो सारी स्त्रियां आपको पुकार रही हैं, वो सारी गोप गोपियां आपसे प्यार रचाना चाहती हैं, लेकिन आज समय ऐसा हो गया है कि वो सारी गोप गोपियों को नरकासुर बंदी बना लिया। नरकासुर ने बंदी बना करके लेके चला गया है। इसलिए ठाकुर जी महाराज आप कृपा करें, उनके ऊपर रक्षा करें। भगवान ने कहा हम अवश्य जाएंगे नरकासुर का वध करने के लिए। उधर जानते हो कारागृह पर बंद किए गए समस्त स्त्रियां, समस्त गोप गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, कारागृह से भगवान को निवेदन कर रही हैं और भगवान को कह रही प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है, यदि आप हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आओगे तो हम लोग इस शरीर का अंत कर देंगे, प्राण का अंत कर देंगे, लेकिन विवाह तो आपसे ही करेंगे, विवाह आपसे ही करेंगे। सारी गोप गोपियां भगवान को पुकार रही हैं और हम लोगों का भी ऐसा ही भाव होना चाहिए। कैसा भाव? जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ताली बजाओ। अपने चरणों का दास बना के, अपने चरणों का दास बना के, आज कथा विश्राम हो जाएगी, फिर ये भागवत की कथा दोबारा कब मिलेगी इसका कोई अता पता है क्या? लेकिन आप लोगों को ठीक एक महीने बाद कथा मिलेगी। कितने दिन बाद? आज हमको डॉक्टर झा जी का फोन आया था, उनकी धर्मपत्नी जी ने भी फोन किया। डॉक्टर साहब ने कहा मैं समय रहेगा तो आऊंगा, सबको निमंत्रण कहूंगा, और यदि पेशेंट आए में नहीं आ पाया तो आप राज मंच में सभी को कह दीजिएगा 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ठाकुर बाड़ी मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा है, सबको ही सुनने के लिए पधारे। तो डॉक्टर साहब का निमंत्रण आप लोगों को हमने बता दिया। तो जितने भक्तों को ठाकुर बाड़ी मंदिर में कथा सुनने के लिए आना है, वो
वो 17 दिसंबर का डेट याद रखना, 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कथा होगी और शायद 23 या 24 को भंडारा है। उन्होंने सबके लिए भंडारा प्रसाद के लिए कार्ड जो छपा है उसमें सामूहिक भंडारा, बैनर में भी सामूहिक भंडारा उन्होंने लिखाया, तो वो उस समय डॉक्टर साहब अपने मुंह से कहेंगे, लेकिन कथा का आमंत्रण के लिए उन्होंने कहा था कि महाराज जी समय रहेगा तो मैं जरूर आकर के खुद कह जाऊंगा, और नहीं तो आप कह दीजिएगा कि 17 तारीख से कथा के लिए जितने भी भक्त आना चाहें कथा सुनने के लिए पधारें। अपने चरणों का दास बना के, 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 वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, 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 प्यारे 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 मुरलिया वाले, बांकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, आइए सब कोई प्रेम से मुरलिया वाले। अरे जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। श्री राधे, ताली बजाते हुए गाइए। हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, भाव से गाइए भगवान का भजन। तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, और तेरे हाथ की, जैसे चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचाले मुरलिया वाले, अरे जैसे चाहे नचाले मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, सब कोई गाइए प्रेम के से, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री राधे, Yeah.
मेरे अपने ना हुए अपने, मेरे अपने ना हुए मेरे अपने। आज कथा लास्ट दिन है, गोपियां ही नहीं भगवान को पुकार रही, आप भी भगवान को पुकार रहे और पूरे भाव से पुकारो भगवान से। भगवान के समक्ष जब भाव प्रकट कर दिया जाता है ना, तो दुख भगवान दूर कर लेते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को क्या कहना, मेरे अपने ना हुए अपने, मेरे अपने ना हुए मेरे अपने, मेरे अपने ना हुए अपने, मेरे अपने ना हुए अपने। अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, अब तू अपना बना ले मुरलिया वाले, अब तू अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जन राजेश की अर्ज यही है, जन राजेश की अर्ज यही है, जन राजेश की अर्ज यही है, जन राजेश की अर्ज यही है। कर गई कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गई कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गई कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गई कंठ लगा ले मुरलिया वाले। अरे जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए उठाइए, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे हाथ उठा करके गाइए, मुरलिया वाले। अरे प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले श्री राधे मुरलिया वाले। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तो आके लगा ले मुरलिया वाले, अब तो आके लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के हवाले जीवन छोड़ देना चाहिए।
बाबा जी कितना सुंदर सजा दिए। बाबा जी तो आज के हमारे के बीए बड़ी पढ़ाई दी थी। भगवान को पुकारने लग गई गोपियां और कहने लग गई, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ठाकुर जी ये जीवन आपको ही समझ सौंप दिया है। भगवान ने गोपियों की पुकार को सुनी। श्री ठाकुर जी महाराज गोपियों की बात को समझे। माता अदिति आदि के बुलाए गए निमंत्रण पर जो उन्होंने कहा था नरकासुर का वध करना, भौमासुर का वध करना, तो श्री ठाकुर जी महाराज ने नरकासुर को मारने के लिए रथ पर सवार होकर के गए। संग में सत्यभामा भगवान के साथ गई। श्री ठाकुर जी महाराज ने पांचजन्य नाम का शंख फूका और पांचजन्य नाम का शंख फूक करके ठाकुर जी महाराज ने भौमासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भौमासुर युद्ध के लिए जैसे ही बाहर आए तो ठाकुर जी ने तो एक बार समझाया भौमासुर को, अरे भौमासुर सुधर जाओ, अभी भी समय है, क्षमा मांग लो। लेकिन भौमासुर को अभिमान था, मैंने इंद्र को परास्त कर दिया है, कन्हैया को भी परास्त कर दूंगा। और भगवान को परास्त करने की धूर्त मन में लेकर के भौमासुर ने अस्त्र शस्त्र उठाए तो ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को चलाया और सुदर्शन चक्र चला करके नरकासुर भौमासुर के पांचों मस्तक को काट दिया। धरती से भौमासुर का अंत करके धरती के भार को मुक्त किया ठाकुर जी महाराज ने। इंद्र को अपना लोक प्राप्त हुआ, माता अदिति को कुंडल, अप्सराओं को मुक्त कर दिया भगवान ने। कल्प वृक्ष को माता सत्यभामा लेकर के आ गई और जो 16,000 स्त्रियां बंदी बनाई गई थी उन समस्त स्त्रियों ने ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी आप हमसे ब्याह रचाइए, अब चूंकि संसार में अब हम लोगों को स्वीकार करने वाला कोई नहीं होगा,
इस संसार में हम लोगों से अब प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा। इस संसार में ये संसार के लोग अब हमें अपना नहीं मानेंगे, क्योंकि हम नरकासुर के बंधन में रह चुके हैं। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से 16,000 स्त्रियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया भगवान ने। भगवान के 16,108 विवाह हुए। इस प्रकार से भगवान का सुंदर गृहस्थ आश्रम चलने लगा।